दोस्तों, क्या आपका भी पेट निकला हुआ है? क्या आप भी अपने शरीर में एक्सेस फैट, जो चर्बी जमी हुई है, उसको कम करना चाहते हो, अपना वजन कम करना चाहते हो और एक टोन्ड बॉडी पाना चाहते हो, एक मस्कुलर शरीर पाना चाहते हो? तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने वजन को कम करने से लेकर। देखिए, मैं आपको सबसे एक जरूरी चीज बता दूं, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उनमें आपको बताया जाता है कि भाई आपको फास्ट फूड को बिल्कुल नहीं खाना है, आपको जो कैलोरी डेफिसिट में रहना है, मतलब जितना कैलोरी आपकी बॉडी को जरूरत है उससे कम खाना आपको खाना है, आपको मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, ये सारी चीजें तो हमको पता ही हैं। तो आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस की। क्या आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल ज्यादा होगा तो आप चाहे जितनी भी एक्सरसाइज करें, जितना भी कार्डियो करें, आपका वजन कम नहीं होने वाला है। होता क्या है कि जब कोर्टिसोल लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हम चाहे जितने भी एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमको उससे कहीं ज्यादा भूख लगती है, और भूख लगने की वजह से जो हमारी अर्ज है उसको शांत करने के लिए हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छुपा के खा लेते हैं, जिससे हम कैलोरी डेफिसिट में नहीं रह पाते हैं। और क्या आपको पता है कि एक रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि अगर आप लोग धीरे धीरे खाना खाते हो, मतलब अगर आप लोग खाना खाने में 15 मिनट से ज्यादा का समय लगाते हो, तो अगर आप लोग वजन कम करना चाहते हो तो धीरे धीरे खाना खाइए, धीरे धीरे खाने को चबाइए और एक कौर खाने के बाद में थोड़ा सा रुकिए, फिर दूसरा कौर खाइए। इससे होता क्या है कि हमारा जो माइंड है उसको संदेश पहुंच जाता है कि भाई जो ये बंदा है ये खाना खा रहा है, और वो जो आपकी अर्ज है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो। अब आ जाते हैं कोर्टिसोल लेवल पे। क्या आपको पता है कि कोर्टिसोल लेवल बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका वजन कभी भी कम नहीं होने वाला, फिर चाहे आप लोग जितना भी जिम जाएं, चाहे आप लोग जितना भी कार्डियो करें। अब आपको करना क्या है कि आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, आप लोगों को यहाँ पर करना है मेडिटेशन, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन करने से क्या होगा, देखिए मैं आपको ये पहला स्टेप बता रहा हूँ वजन कम करने का। आप लोग जब मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, और आपकी जो भूख है, आपको जो अर्ज लगती है ना कभी कुछ खाने वाली, जिससे आप ज्यादा खा लेते हो और आपका जो वजन है वो बढ़ जाता है, वो अर्ज आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसके बाद में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी प्रोटिप यहाँ पर देना चाहूंगा। अगर आप लोग जॉगिंग करते हो और सोचते हो कि जॉगिंग करने से आपका वजन कम हो जाएगा, कार्डियो करने से हो जाएगा, तो उसको आप लोग साइड कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग करो स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग एक तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें आप जॉगिंग करते हो लेकिन बहुत फास्ट में आप लोग रनिंग करते हो। उसमें हम लोग 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में बहुत तेज से दौड़ते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर 5 से 10 सेकंड के लिए खूब तेज से दौड़ते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग करने से हमारी बॉडी का जो फैट लेवल है वो बहुत ही तेजी से कम होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 30 मिनट रोज जॉगिंग करते हो और आप लोग केवल 4 मिनट स्प्रिंटिंग कर लोगे तो दोनों में जो आपकी कैलोरी होगी वो बराबर ही कम होगी। मतलब अगर आप लोग आधे घंटे आप लोग जॉगिंग करते हो तो उसमें आपका 200 कैलोरी यहाँ पर कम होगा, तो अगर आप लोग स्प्रिंटिंग करते हो 3 से 4 मिनट, तो स्प्रिंटिंग करने से भी आपका 200 कैलोरी कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है तो आप लोग स्प्रिंटिंग करिए। स्प्रिंटिंग इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस बेली फैट, टू रिड्यूस वेट फ्रॉम योर बॉडी, और जब आपका वेट कम होगा तो आपको एक फिट बॉडी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।